हाय डियर, आज एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यूनिफॉर्म क्वार्टर सर्कुलर वायर और कॉइल के सेंटर ऑफ मास। आइए इसे समझते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह है यूनिफॉर्म क्वार्टर सर्कुलर वायर। एक्स वाई क्वाड्रेंट में एक सर्कुलर वायर का एक चौथाई क्वार्टर सर्कुलर वायर है। एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पर एक एलिमेंटल आर्क एलिमेंटल आर्क ऑफ लेंथ डी एल एंड ऑफ मास डी एम। इसे बी कहें। एलिमेंट डी एल लंबाई का मास डी एम है, जिनका एंगुलर विड्थ डी थीटा, ये रेडियस। तो एबी या फिर डीएल क्या हो जाएंगे, आर डी थीटा, बिकॉज थीटा इक्वल्स एल बाई आर। इस पॉइंट के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसे सी नाम रख दें, तो बीसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये थीटा है तो ओसी आर कॉस थीटा, बीसी आर साइन थीटा। मास ऑफ द क्वार्टर सर्कुलर वायर नेमिंग कर देते हैं डी और ई। e.
जिनका मास कैपिटल एम डी ई जो सर्कमफेरेंस है ये पाई आर अपॉन टू है, तो पाई आर अपॉन टू के लिए मास कैपिटल एम है, पाई आर अपॉन टू के लिए मास कैपिटल एम यूनिट के केस में कितना हो जाएगा एम अपॉन पाई आर अपॉन टू। डी एल लेंथ में एम अपॉन पाई आर अपॉन टू इंटू डी एल, डी एल आर डी थीटा है, डी एल की जगह आर डी थीटा यूज कर सकते हैं। एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा और यहां टू नीचे से ऊपर आ जाएंगे, आर से आर एलिमिनेट कर दीजिए, टू एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये रहे एलिमेंट डी एल का मास, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स एक्सियम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सियम इक्वल्स 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन एक्स डीएम, यह 1 अपॉन एम इंटू इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और डीएम, डीएम की जगह 2 एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। वन अपॉन एम इंटू इंटीग्रेशन की लिमिट यहां थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, से यहां तक थीटा इक्वल्स 90 डिग्री और पाई बाय टू, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री। अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम धारी कर रही है, लिमिट लगा देते हैं 0 to π/2, यहां से कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए आर टू एम अपॉन पाई आर टू एम अपॉन पाई इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट यूज करिए 0 to 90 डिग्री। इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, एम को एम से एलिमिनेट कर दीजिए, टू
आर अपॉन फाई इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, इसे हम इंटीग्रेट करें तो हमें साइन थीटा मिलेगा और साइन थीटा का लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, तो डायरेक्ट यूज करते हैं साइन थीटा और इसकी लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा साइन 90 डिग्री वन माइनस साइन जीरो, तो यह जीरो हो जाएगा वन माइनस जीरो वन आ जाएगा टू आर अपॉन पाई इंटू साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, दिस बिकम्स टू आर अपॉन पाई इंटू साइन 90 डिग्री वन माइनस साइन जीरो डिग्री जीरो और टू आर अपॉन पाई, ये एक्स सीएम। वाई सीएम इक्वल्स ये हो जाएंगे वन अपॉन एम इंटीग्रेशन वाई डी एम, वन अपॉन एम इंटीग्रेशन वाई सी जगह आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस ओबी विच इज आर साइन थीटा और डी एम 2m upon pi into d theta integration की limit 0 to pi by 2 1 upon m into r into 2m upon pi integration साइन थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट हमें क्या मिलता है माइनस ऑफ कोसाइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, एम को एम से लिमिट कर दीजिए टू आर अपॉन पाई इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा की लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, फाइनली इसे लिख दीजिए टू आर अपॉन पाई इंटू लिमिट चेंज करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कॉस जीरो माइनस कॉस पाई बाई टू, कॉस जीरो कितने हो जाएंगे वन माइनस कॉस पाई बाई टू जीरो, तो वन माइनस जीरो इट मींस वन, दिस बिकम्स टू आर अपॉन पाई जो वाई सीएम है। एक्सएम और वाईसीएम आप अगर क्लियर कर पा रहे हैं तो दोनों ही सेम हैं और यह जो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास है उनके कोऑर्डिनेट्स टू आर अपॉन पाई कॉमा आर अपॉन पाई।